आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी उत्तर प्रदेश की पावन धरती के वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए गोरखपुर पहुंचे सोनू निगम, ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में। इस गाने को गाकर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि बुजुर्ग भी नाचने लगे। बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम की सुरीली आवाज में गाए गए गीतों पर पूरा शहर मस्ती से झूमने लग गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में धूमधाम के साथ मनाई जा रही लोहड़ी। भांगड़ा ढोल साउंड पर बजते हिट पंजाबी गीतों के साथ शहर में जगह जगह लोहड़ी का उल्लास देखा गया। और न सिर्फ अयोध्या में बल्कि दोस्तों मुजफ्फरनगर समेत प्रदेश के सभी जिलों में लोहड़ी पर्व का बड़ा ही धूमधाम से जश्न मनाया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सहारनपुर में 513 करोड़ रुपए की लागत से 4000 किलोमीटर से ज्यादा जर्जर तारों को बदला जाएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली की बिजली व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। ओवरलोड और ट्रिपिंग की समस्या नहीं होगी। तकरीबन 14 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्या इससे दूर होगी। जो बिजली के पोल के ऊपर पुराने तार है उनको बदला जाएगा और उनकी जगह पर नए केबल डाले जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन। प्रांतीय अध्यक्ष ने कर्मचारियों की एकजुटता पर दिया जोर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष का ऐलान भी किया। गाजीपुर में जिला पंचायत के सभागार में यह प्रदर्शन देखा गया। वहीं देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चाय की चुस्कियां ली और पूछा कि 5 किलो राशन मिल रहा है ना। जवाब मिला, कॉलोनी उजाड़ दी, हम कहां रहेंगे। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय आखिरी दिन ऐशबाग के रामलीला मैदान के पास तिलक नगर कॉलोनी में पहुंचे और यहां पर उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। करीब 45 मिनट तक यहां रुके वो। अच्छा वही बड़ी खबर है, सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोली कि वाराणसी में क्रूज सेवा शुरू करना पर्यटकों के लिए एक अनोखा और आकर्षण का केंद्र होगा। उत्तर प्रदेश में फिर से किसान आंदोलन की हुकार देखी जा रही है। राकेश टिकैत बोले कि जेल में बंद भाइयों को दूध नहीं मिल रहा, हम भी नहीं पियेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 28 जनवरी को याद करते हुए कहा कि ये वही काली रात है जब सरकार ने षड्यंत्र रच कर देश के किसानों पर हमला किया था। और उत्तर प्रदेश संभल में भी भारतीय किसान यूनियन असली के किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने गोवंश को संरक्षित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष बोले कि गोवंश और किसान दोनों परेशान हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उन्नाव से ये न्यूज आ रही है। 2 महीने में टेस्टिंग में 2 बार फटी वाटर लाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। 253 करोड़ की अमृत योजना टेस्टिंग में भी ये फट गई। सप्लाई अब तक शुरू नहीं हुई है और इसकी वजह से कई लोगों को नल का पानी नहीं मिल पा रहा। अच्छा खबरों में आगे बढ़े इससे पहले यूपी के ताजा मौसम समाचार जान लेते हैं। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है, उत्तर प्रदेश में 6 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लखनऊ में बारिश की भी चेतावनी है। गोरखपुर सबसे ठंडा इलाका रहा, कई शहरों में माइनस में पारा जा सकता है और अब दुगुनी तेजी से बढ़ा पारा। आज से वापस उत्तर प्रदेश के कई इलाके ठंड से ठिठुरेंगे। मकर संक्रांति के बाद 15 से 17 तक कोल्ड डे और कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की है। लखनऊ में कल भी बारिश देखी गई। 15 से 21 जनवरी तक बर्फीली हवाएं चलेगी। वेस्ट यूपी में 2 दिन और बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जबरदस्त ठंड की चेतावनी जारी की है। यूपी से लेकर हिमाचल तक अगले 5 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि अगले सप्ताह भर तेज ठंड पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के तो लगभग 22 जिलों में आईएमडी ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया। बर्फीली हवाओं से पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। देखिए ठंड को लेकर लखनऊ के मेयर ने भी बैठक की और संयुक्त भाटिया ने कहा कि सड़क पर कोई सोता नहीं मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 14 दिन में हार्ट अटैक से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा ऐसे मामले देखने को मिले। डॉक्टर एक्सपर्ट का यह कहना कि समय पर बॉडी चेकअप जरूरी है और ठंड से खुद का बचाव भी करें। चलिए कोरोना बुलेटिन पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आगरा में अमेरिका से आए 2 पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वैसे ये 10 जनवरी को जयपुर जा चुके थे दोनों टूरिस्ट और 12 तारीख को इनकी रिपोर्ट आती है जो पॉजिटिव आती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सीएमओ ने राजस्थान जयपुर सरकार को भी अलर्ट कर दिया। ये आगरा में ताजमहल देखने के लिए आए थे अमेरिका से 2 पर्यटक और ये कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। वह देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर कि बिना वैक्सीन कोरोना से लड़ रहा उत्तर प्रदेश। यूपी में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में वैक्सीनेशन अभियान भी ठप पड़ा हुआ वैक्सीन की कमी की वजह से। लखनऊ में भी 13 दिन बाद एक महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई। उन्हें महानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छा अगला अपडेट देखिए, चंदौली में 80 किलोमीटर जलमार्ग से गुजरा क्रूज गंगा विलास। नदी के किनारे रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्रूज को निहारने के लिए लोग बाग जुटे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने विदेशी पर्यटकों से ये भी अपील की कि भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये उद्घाटन किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने वाराणसी में 2री 5-स्टार टेंट सिटी को भी लॉन्च किया। वहीं गंगा विलास क्रूज के यात्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिले और बोले कि बेहद रोमांचकारी है पीएम मोदी की सौगात। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम देश को जोड़ने में जुटे हैं, कुछ तोड़ने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। पीएम के हरी झंडी दिखाने के बाद गंगा विलास क्रूज सबसे पहले गाजीपुर पहुंचेगा। स्वागत से लेकर प्रस्थान तक की जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। 51 दिन की यात्रा कर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा यह क्रूज। असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, तकरीबन 3200 किलोमीटर
की यात्रा पूरी करेगा। और गोरखपुर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अब अपराध नहीं, आस्था और विकास का केंद्र है गोरखपुर। महोत्सव का समापन हुआ इसी के साथ ही। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, एयरपोर्ट जैसा आलिशान बनेगा गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर VIP लाउंज और फूड कोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। 550 करोड़ रूपए इसके डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। वह देखिए अगला अपडेट, दिल्ली रोड शो में तकरीबन 225,000 करोड़ रूपए के MOU साइन हुए। देश और विदेश के उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। NTPC करेगा 40,000 करोड़ का निवेश भी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो संदेश भी उद्योगपतियों को दिखाया गया, जिसमें CM योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए बेहद अच्छे तरीके से आमंत्रित करते हैं। बड़ी खबर है, आज से चलेगा स्वच्छता विरासत अभियान। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटक स्थलों को साफ किया जाएगा। इसके लिए 75 जगहों को चुना गया है। 14 से लेकर 24 जनवरी तक ये स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें UP के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन पर साफ सफाई की जाएगी। वह देखिए, नियमित टीकाकरण में लगाए गए 2,00,000 कर्मचारी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले कि टीकाकरण में कोई भी कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। यूपी में आजकल बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया और इसमें लगभग 2,00,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस 26 जनवरी से चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो यात्रा को विस्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किए हैं और इस अभियान को यूपी की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने की प्लान है। वह देखिए बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में फंस गए कल 12 छात्र। कोचिंग कर 4th फ्लोर से आ रहे थे नीचे, 15 मिनट बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया। अच्छा, देवरिया में सामाजिक समरसता सह भोज का आयोजन हुआ। कृषि मंत्री बोले, सामाजिक समरसता से होगा राष्ट्र का विकास। 200 गरीबों को इस दौरान कंबल भी वितरित किया गया। देवरिया जिला के तरकुलवा विकास खंड मुख्यालय के परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी खबर है, अब घर के नजदीकी TB मरीजों की जांच संभव हो पाएगी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में क्षय रोग के इलाज के लिए CHO को भी प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि आपके नजदीकी स्मॉल स्वास्थ्य केंद्र पर भी अब TB की जांच हो पाएगी। वह देखिए, मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ प्रयागराज में तहरीर। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ भड़के साधु संत, उनके खिलाफ कार्यवाही की भी मांग की है। माघ मेले के आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचे मंत्री, प्रयागराज के अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, घोषणा कराएं कि मेले में चल रहा आयुर्वेदिक अस्पताल। बड़ी खबर है, अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। चालकों को प्रशिक्षण दिया और यातायात नियमों को पालन करने की अपील की। अच्छा दोस्तों, राम मंदिर निर्माण पर अपडेट आ रहा। देखिए आप कि नए साल पर राम मंदिर की 10 नई तस्वीरें जारी की है ट्रस्ट ने। मंदिर का लगभग 70% काम पूरा हो गया। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक तैयार हो गए। ये कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं राम मंदिर की। डेवलपमेंट का काम बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। अयोध्या राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी करते हुए चंपत राय बोले कि अक्टूबर तक प्रथम तल का काम पूरा हो जाएगा और अगले साल जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम लला को गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर लिख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नेपाल बॉर्डर पर मेरठ का एक जवान शहीद हो गया। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया, पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, सामाजिक संस्कृति की विरासत है उत्तरायणी मेला। बरेली पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कहा, यूपी में जब से योगी आए हैं जो भोगी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, सब भाग गए हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजे की वार्निंग, फर्जी और गैर जिम्मेदारी से कार्य करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वह देखिए, झिंगुरा स्टेशन के पास क्रेन से टूटा OHE तार। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई सारी ट्रेनें इसके चलते प्रभावित हुई। पिलर उठाते समय ये बड़ा हादसा हुआ था उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में, है ना। अच्छा बड़ी खबर है, भारत सरकार के G20 पर विचार विमर्श। प्रोफेसर आशुतोष सिन्हा बोले, G20 राष्ट्रों के विकास की आधारशिला है। बड़ी खबर है, प्रत्येक माह की 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे अब स्वास्थ्य मेले। जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया। हर महीने थीम बदली जाएगी और आगरा से ये नई पहल शुरू होने जा रही। धीरे धीरे यूपी के सभी जनपद में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा, जहां लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण और हेल्थ से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। अच्छा वही देखिए, अडानी ग्रुप को सप्लाई लाइसेंस देने में अड़चन। नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद के प्रत्यावेदन पर कहा, प्रारूप मानक के हिसाब से नहीं है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अडानी ग्रुप को बिजली सप्लाई का लाइसेंस मिलना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के प्रत्यावेदन पर अब नियामक आयोग भी सख्त होता दिख रहा है। आयोग में इसको लेकर शुक्रवार को सुनवाई भी की गई। बड़ी खबर आ रही है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्कशॉप का समापन हुआ। गांव-गांव तक आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाएगा लोगों को। पंचायती राज अधिकारियों को भी मिलेगी ट्रेनिंग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम का समापन हुआ उत्तर प्रदेश आगरा में, है ना। अच्छा बुलंदशहर से बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नलकूपों पर मीटर लगाने का जताया विरोध। उठरावली सब स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया। वह देखिए, रामपुर में लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग पर टूटी पटरी। की मेन की सजगता से एक बड़ा हादसा टल पाया। दूसरी लाइन से धीमी गति से निकाली गई ट्रेन। बुलंदशहर में पैदल मार्च निकालकर ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया। दोपहिया चालकों को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। 17 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। आजमगढ़ में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगी यातायात पाठशाला। ट्रक और बस यूनियन के चालक परिचालकों को जागरूक किया। सड़क हादसे रोकना मकसद रहा। वह देखिए, एक ठगी
की धोखाधड़ी की गई। मेरठ के युवक से विदेश में धोखा हुआ, नौकरी के नाम पर टॉयलेट साफ कराया जा रहा, अब उसके पिता ने मुख्यमंत्री से मदद भी मांगी है। दरअसल मेरठ के मवाना में रहने वाले एक युवक को नौकरी का झांसा देकर टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेज दिया गया और अब विदेश में उसको अच्छी नौकरी देने के बहाने भेजा गया। अब वहां उसे टॉयलेट साफ कराने जैसे काम करवाए जा रहे हैं। अब पीड़ित के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने बेटे को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। वह देखिए, गाजीपुर में शरद यादव के निधन पर शोक सभा व्यक्त की गई। सपा जिलाध्यक्ष बोले, देश ने अपना महान सपूत खो दिया, वह महान समाजवादी नेता थे। दरअसल बिहार जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी का निधन हो गया। 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर कल ही राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। लालू यादव भावुक होकर बोले कि ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। वह देखिए बड़ी खबर, सहारनपुर में स्वच्छ ढाबों को रेटिंग देकर किया जाएगा पुरस्कृत। नगर निगम ने चलाया स्वच्छ ढाबा अभियान, 20 मार्च तक ढाबा संचालकों को जागरूक भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बस्ती में गांव-गांव चौपाल लगाकर सुनी गई समस्याएं, गांव की समस्या गांव में समाधान अभियान के तहत यह आयोजन हुआ, निस्तारण भी किया गया। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने गंगा तट पर जेटी का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद बोले, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, महत्वाकांक्षी योजनाओं से आर्थिक स्वरूप की मजबूती होगी। बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर में अहिंसक आंदोलन करेंगे भट्टा संचालक, काम बंद होने से श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा और इसी के चलते ये विरोध करेंगे। वह देखिए, एमबीबीएस में दाखिला दिलाने वाला फर्जी कंसल्टेंट संचालक अरेस्ट किया गया। नीट में फेल छात्रों से ये संपर्क करते थे और दाखिले के नाम पर उनसे 20 से 35 लाख रुपए ले लेते थे। तो ध्यान रखिए, आप भी कभी ऐसी ठगी जालसाज करने वाले धोखाधड़ी करने वालों के झांसों में ना फंसें। इन लोगों के 13 खाते सीज किए। वह देखिए, आजमगढ़ में डीएम ने की गंगा समिति की बैठक, डीएफओ को जिले की 13 छोटी और सहायक नदियों को संरक्षित करने के दिए निर्देश। मऊ में सरकारी फाइलों को ताप गए कर्मचारी, 2022-23 के कागज भी जला दिए एआरटीओ के कर्मचारियों ने, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरदोई में सीडीओ ने की मासिक बैठक की समीक्षा, आयुष्मान भारत कार्ड की स्थिति खराब पर सीएमओ ने जवाब भी तलब किया। अच्छा वह देखिए दोस्तों, सोनभद्र में ग्रामीणों ने कांटेदार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा कम राशन देते हैं, पूरा मांगने पर ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने की उद्यमियों के साथ बैठक, मथुरा को बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल हब। वित्त मंत्री भी जल्द ही मथुरा के उद्योगपतियों से मुलाकात करेगी। एजुकेशन पर खबर है, सीआरपीएफ में 1458 पदों पर नौकरी का मौका, पावर ग्रिड में जॉब के लिए आज ही अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास के लिए एनडीए में मौका। कासगंज में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, वेतन और सर्दी में गर्म वर्दी देने की मांग, कहा शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। औरैया के हजारों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि रुकी, ईकेवाईसी न होने की वजह से 13वीं किस्त अटकी, पारदर्शिता के कारण लिया गया निर्णय। वैसे औरैया में दिव्यांगों को कल ही ट्राई साइकिल बांटी गई, अधिकारियों ने कहा हौसले मत तोड़े, इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते रहें। हाथरस में परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करेंगे सारथी वाहन, 21 से 24 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा, एसीएमओ ने दी कार्यक्रम की जानकारी। हरदोई में सीडीओ ने विकास कार्यों की समीक्षा की, बोली सरकारी योजनाओं का पात्र लाभार्थियों को दिलाए लाभ, बड़े बकायेदारों से सख्ती करे वसूली। गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी लेबर कमिश्नर सस्पेंड किए गए, जापानी कंपनी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी का एक्शन, लेबर इंस्पेक्टर पर वसूली के कई आरोप साबित हुए। अच्छा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अब हादसों में कमी आएगी। दरअसल यूपीईआईडीए की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए गए, टीम वाहनों की पेट्रोलिंग कर रही है और कई स्थानों पर ऐसे संकेतक अलर्ट भी लगाए गए जिनसे कि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आएगी। अच्छा वही बड़ी खबर है दोस्तों, मोरल सपोर्ट से जल्दी ठीक हो रहे टीबी के मरीज, चित्रकूट में 250 से अधिक लोग टीबी मुक्त हुए, गोद लिए मरीजों का भी हालचाल लिया जा रहा। फतेहपुर में आवास के नाम पर प्रधान ने मांगी रिश्वत, महिलाएं बोली 15,000 न देने पर पात्रता सूची से नाम काटने की दे रहा धमकी। सिद्धार्थनगर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बोले समस्याओं का समाधान करें अधिकारी, आपस में सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अंबेडकर नगर में धान तोल के लिए किसान परेशान, कड़ाके की ठंड में किसानों की 200 से अधिक ट्रोली तोल के इंतजार में खड़ी है। अच्छा वही संभल के ज्योति सचार्य बोले 15 जनवरी को मनाएं मकर संक्रांति, खिचड़ी तिल गुड़ की बनी चीजों का दान करें, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वह देखिए दोस्तों, अयोध्या में राहुल गांधी को श्रद्धांजलि दे दी गई। दरअसल जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना कि राहुल गांधी का हम शक्ल गुमराह भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ व्यवहार में कुछ ऐसी शंकाएं नजर आती हैं जिससे उन्होंने राहुल गांधी को मृतक बताया और कल एक शोक सभा का आयोजन भी किया और श्रद्धांजलि भी दे दी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 6 सालों में विकास के नए आभा के साथ आगे बढ़ रहा गोरखपुर। वह देखिए इन्वेस्टर मीट में साइन हुए 5,000 करोड़ के एमओयू, सहारनपुर की कास्ट कला को मिलेगा बढ़ावा, 30,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह में भी पहुंचे सीएम योगी, बोले यूपी में साकार हो रहा राम राज्य का संकल्प, अब नहीं हो सकता गरीबों का शोषण। एजुकेशन पर एक और खबर है, उत्तर प्रदेश में 3,544 पंचायत सहायक भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं और भी आप यूपी सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा ना। वह देखिए बदल गया सीएम योगी की समीक्षा बैठक का अंदाज, विकास योजनाओं समेत कई चीजों पर अब सरकार फीडबैक ले रही है लोगों से। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, बोले सांसद व विधायक देखें बुंदेलखंड में कहीं भी न
रहे हो अवैध खनन और ओवरलोडिंग। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मुख्य समाचार का अपडेट यही समाप्त होता है। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपके अपने राज्य उत्तर प्रदेश की रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए। वैसे आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।